लिया OnePlus का एक नया फोन। आई नो अनबॉक्सिंग थोड़ा सा लेट है, लेकिन आप तो जानते हैं हमारे अनबॉक्सिंग करने का तरीका और हमारी ऑडियंस दोनों ग्रेट है। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। इस फोन में खास क्या है, इसमें आपको सोनी IMX 890 के साथ OIS कैमरा मिलता है, एक पावरफुल प्रोसेसर है जिसका एंड्रॉइड स्कोर 639,000 प्लस है, ब्यूटीफुल डिस्प्ले, फास्ट चार्जर, ये सारी चीजें एक OnePlus की तरफ से 24999 में। ऑन पेपर स्पेक्स तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन सच में फोन इंटरेस्टिंग है तो जनता साथ में मिलकर इस फोन को टेस्ट करना तो बनता। फोन का नाम है OnePlus Nord CE3 5G। फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। ओहो, ब्लैक, आई लव ब्लैक। ये है बॉक्स, इसके अंदर देखते हैं भाई। आय हाय, इसको देख के सुकून मिल जाता है। जिनको नहीं पता, इसको हम कहते हैं ऊह यंत्र। ये देखो, ये भी स्माइल कर रहा है। ये OnePlus के कुछ कार्ड और ये स्टिकर। तो ये केस है, अच्छी क्वालिटी। आहा, असली मजा तो इसी में ही है दोस्तों। इसको प्यार से निकालना चाहिए दोस्तों, प्यार से। और इसके अंदर ऑफ कोर्स ये फास्ट चार्जर है, और ये OnePlus का रेड केबल टाइप A टू टाइप C है। अगर आप इसको बैक से देखते हो, डिजाइन सिमिलर है। अगर आपने OnePlus Nord सीरीज में फोन देखे हैं, तो देखने में फोन सिमिलर लगता है। इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा है। वैसे इसका जो बैक है, ये पॉलीकार्बोनेट है, बट ये ग्लास वाली फील दे रहा है। इनहैंड फील फोन का अच्छा है, ग्रिप अच्छी मिलती है, फोन ज्यादा हैवी भी नहीं लगता। 8.2 mm इसकी थिकनेस है, थिकनेस इसकी ठीक है। ये आपको ज्यादा मोटा भी फील नहीं होगा, ज्यादा पतला भी फील नहीं होगा, लेकिन फील होगा। इसका डिस्प्ले अगर फर्स्ट टाइम देखते हो, देखने में डिस्प्ले आपको अच्छा लगेगा, मतलब फर्स्ट लुक में लगेगा हाँ डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। ये एक 6.7 इंच की FHD प्लस 120 हर्ट्ज फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज से इसी की याद आ रही है। डिस्प्ले क्वालिटी टेस्ट करते हैं। ओके, 2160p पे आप वीडियो प्ले कर सकते हो। 10 bit डिस्प्ले है, HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है। सच्ची बताओ तो क्वालिटी इज रियली गुड, काफी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। अगर मैं डिस्प्ले में कुछ देख रहा हूँ तो जो कलर्स है वो बढ़िया मिल रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है, पंची कलर है, डीप ब्लैक है भाई, वाइब्रेंट भी है। साइड वेजेस देखो, ऊपर चिन की साइड देखो, इवन अगर आप चिन पे देखो, जनरली दूसरे फोन्स में नीचे चिन पे आपको ज्यादा बेजल्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर बहुत ही कम बेजल्स यूज किए हैं। तो जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है, मुझे पता नहीं है, आप तो मेरा नेचर जानते हैं, गिरा के ही मानेंगे। 2 3 गो। कुछ हुआ क्या, गियो बच गई हो भाई। इसकी ब्राइटनेस भी एक बार चेक कर लेते हैं, निट्स की है मुझे पता नहीं है, बट ये लोएस्ट में भी अगर आप देख रहे हो भाई विजिबल है। और इसको अगर मैं 50% कर देता हूँ भाई, 100% कर दूं, ओ भाई भाई ब्राइट है। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार हैप्टिक चेक करता है, इसमें वाइब्रेशन मोटर है। ओहो, जो इसका वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा हार्ड लगा। ओके, नीचे साइड देखते हैं भाई, ये सिम स्लॉट है, एक यहाँ छेद है, यहाँ एक यहाँ छेद है, 2-2 छेद हाइब्रिड सिम स्लॉट है। और बाकी यहाँ पर एक माइक है, ये टाइप सी पोर्ट है, और ये स्पीकर है, स्पीकर टेस्ट, स्पीकर स्टीरियो है। इसकी स्पीकर क्वालिटी को मैं एवरेज कहूंगा, मतलब ठीक ठाक है। राइट साइड में ये पावर बटन है, ये वॉल्यूम बटन है, इसको ऐसे दबा दे तो भाई टेक्टाइल फील है। ये आईआर ब्लास्टर, ये स्पीकर है। लेफ्ट हैंड साइड एकदम क्लीन है। इसका एक बार अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं। ये अगर मैं टच करता हूँ, ठीक है भाई, ये टच करते हैं। यस, एनिमेशन हल्का सा स्लो लगा। अच्छा, यहाँ से आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी चेंज कर सकते हो। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, इसका कैमरा। कैमरा मॉड्यूल टिपिकल कैमरा मॉड्यूल है, बड़ा सा मेन कैमरा दे दिया है, और यहाँ पे भी एक कैमरा दिया है, लेकिन इसके अंदर दो कैमरा है छोटे छोटे। ये वाला जो कैमरा है ये मेन कैमरा है, 50 megapixel का है, सोनी IMX 890 के साथ। और बाकी ये जो दूसरा है ये 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड है, और ये 2 megapixel का मैक्रो। जिंदगी में टेंशन, और फोन के कैमरे में 2 megapixel सेंसर। लगता है पीछे नहीं छोड़ेंगे भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आगे की साइड में ये 16 मेगापिक्सल है। चलो कुछ फोटोज लेते हैं, देखते हैं कैसा कैमरा परफॉर्म करता है। फास्ट है फोकस तो यार, ये देखो एकदम से फोकस कर लेता है। एक बार शटर स्पीड चेक करते हैं कितना फास्ट है भाई, थोड़ा सा स्लो है, प्रोसेसिंग में टाइम लेता है थोड़ा सा। फोटो लेते हैं मेन कैमरे से, ये 1x, ये 2x, और ये देखो भाई पिक्चर क्वालिटी। अगर मैं जूम करता हूँ, क्या बात है भाई, ये वो कलर्स। ओके, ये मेन सेंसर से, तो भाई फोटो यहाँ पे नेचुरल दे रहा है, कलर्स अच्छे हैं, हल्का सा अंडर एक्सपोज है, कलर्स अच्छे हैं, और डिटेल जूम करते हो अच्छी है। बाकी ये 2x है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट फोटो दिया है, और अल्ट्रा वाइड में भाई डिटेल्स मजा नहीं आया भाई, इतनी खास नहीं है डिटेल्स। एक ये देखो पोर्ट्रेट मोड से, और भाई पोर्ट्रेट मोड में भाई जो स्किन टोन है वो काफी बढ़िया दिया है, वेल बैलेंस स्किन टोन आपको देखने को मिल जाता है। ये सिर्फ वही सेंसर है जो OnePlus Nord 3 में है, तो भाई उस सेंसर को ऑप्टिमाइज अच्छे से कर रखा है, फोटोज अच्छे आते हैं यार इंडोर लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। एक सेल्फी टेस्ट कर लेते हैं यार। ओके, सेल्फी में स्किन टोन अच्छा है भाई, कलर हल्का सा ऑफ लगा मुझे, मतलब आपको थोड़ा सा फीका फीका फील होगा, बट डिटेल्स अच्छी है 16 megapixel के हिसाब से। ये देखो भाई मुझे दिखा दे रहा है। कुछ और ये फोटोज देख लो, इंडोर आउटडोर डेलाइट कंडीशन में, मैं कहूंगा जो फोटोज निकल के आते हैं अच्छे निकल के आते हैं। बाकी जो इसकी सेल्फी वो मुझे डिसेंट लगा, 4K 30fps है, 1080p 60fps पे है, EIS भी है, लेकिन आपको 1080p पे सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, जो स्टेबिलाईजेशन है, वीडियो की जो क्वालिटी है आपको अच्छी मिल जाती है। इसमें स्नैपड्रैगन 782 5G चिप है।
इसमें एंटीट्यूड टेस्ट किया, 6,39,000 प्लस स्कोर निकल के आया है, जिसको मैं कहूंगा एक अच्छा खासा एंटीट्यूड स्कोर है। एकदम बेस्ट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको दूसरे फोन मिल जाएंगे जिनमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, बेटर एंटीट्यूड स्कोर मिलेगा। बट ये स्कोर भी ठीक है यार, इसका जो सीपीयू थ्रॉटल स्कोर है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस डाउन कर देता है, बट हाँ कोई रेड लाइन देखने को नहीं मिलता, परसेंटेज 78% है। आई नो पीरो गेमिंग का वेट कर रहे हो ना। ओह यस ग्राफिक्स चेक करते हैं एक बार। ओके तो स्मूथ है, बैलेंस है, एचडी है, एचडीआर ऑप्शन भी है, अल्ट्रा एचडी नहीं है, स्मूथ पे एक्सट्रीम है, मतलब 60 FPS स्मूथ गेम प्ले है। अरे हमसे लड़ोगे पीरो मनो सारू से लड़ोगे, सबको लपेट दूंगा। जलवा है हमारा भाई। ग्राफिक्स अच्छे है, स्मूथ गेम प्ले है, ऐसा कोई लैग वैग तो नहीं है। देखो एकदम आज दिन खराब है लग रहा है, गेम प्ले बढ़िया है, स्मूथ गेमिंग कर सकते हो 60 FPS पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मल्टीटास्किंग चेक कर लेते हैं, सारे ऐप्स को मैं क्लोज कर देता हूँ, क्रोम ओपन करता हूँ। ठीक है भाई, फास्ट है कैमरा, ये भी फास्ट है, तो एक स्मूथ एक्सपीरियंस है यूआई में। देखो इसमें LPDDR4X और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, ऐसा कोई जिटर फील नहीं है। 5000 mAh की बैटरी है, 80W का सुपर वोक फास्ट चार्जर है, ऑक्सीजन OS 13.1 है, एंड्रॉइड 13 पे बेस है। एक चीज अच्छी लगी भाई, जो UI एकदम क्लीन कर रखा है। ये देखो अगर ब्लॉटवेयर देखते हो भाई, ब्लॉटवेयर नहीं है। ओके, बाकी NFC है इसमें, डुअल बैंड वाईफाई भी है, एंड हाँ 5G सपोर्ट भी है। सो ये था एक कंप्लीट OnePlus Nord CE 3, जो इसके एक्चुअल प्राइस है 26,999 है, 2000 रुपए का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल जाता है। इफेक्टिव प्राइस में ये फोन 24,999 में मिल जाएगा। देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे ये OnePlus का फोन एक गुड वैल्यू फॉर मनी फोन बन जाता है, जिनको OnePlus का फोन चाहिए। इस फोन को मैंने जितना भी टेस्ट किया, देखो मैं कहना चाहूंगा भाई OnePlus वालों ने इसमें सब कुछ डाल दिया है, जैसे कि एक अच्छा डिस्प्ले, एक अच्छा कैमरा, एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छी बैटरी, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके एक बैलेंस फोन बना दिया है OnePlus यूजर्स के लिए, जिनको OnePlus का फोन चाहिए। देखो मैं इसको एक बेस्ट फोन तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको दूसरे और फोन से जो आपको बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, बेटर कैमरा देते हैं, बेटर फीचर्स देते हैं, बट यस इतना जरूर कहूंगा कि ये एक अच्छा फोन है, एक अच्छा पैकेज लेके आता है OnePlus की तरफ से, और ये फोन उन लोगों के लिए जिनको भाई सिर्फ OnePlus का कोई फोन चाहिए, उन लोगों के लिए एक अच्छा गुड पैकेज हो सकता है ये फोन। एक मिनट कमेंट जरूर करना, मैं पढ़ूंगा आपको ये फोन कैसा लगा। जाते 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 वो जो लाइक बटन है दबा देना, वीडियो को फैला दो ऐसे करके, ऑफकोर्स यार शेयर करने से प्यार बढ़ता है। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।